गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू R&D ब्लॉग्स। BMW G310R जो मेरी बाइक है उसकी सर्विस के लिए आया हूँ आज मैं ओखला फेस वन। सो फाइनली मैं बाइक हैंड ओवर करने जा रहा हूँ और ये बाइक देख लेते हैं एक बारी किस कंडीशन में है। ये रही मेरी बाइक। ये मिस्टर अनिल। हेलो मिस्टर अनिल, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बढ़िया। ये मिस्टर अनिल हैं जो कि मेरी बाइक का सर्विस देखेंगे आज सारा। अभी थोड़ा सा कुछ चेक कर रहे हैं बाइक में कि क्या क्या पहले से मैंने वर्क कराया हुआ है, वो सारी चेक कर रहे हैं इसमें अपने लेवल पे बाइक को पूरा चेक करते हुए। सो लेट्स सी कब तक मिलती है। अप्रॉक्स अभी अनिल जी ने बोला हुआ है कि 2.5 से 3 घंटे तो लग ही जाएंगे सर्विस के लिए, तब तक वेट करना पड़ेगा यहाँ पर। सो फ्रेंड्स, जब तक मेरी बाइक अंदर सर्विस के लिए गई हुई है, आइए चलते हैं शोरूम के अंदर और देखते हैं और कौन कौन सी मशीन्स अवेलेबल हैं। बेसिकली G310R का मीटर किस तरह से वर्क करता है, आइए एक बार देखते हैं इसमें। सर प्लीज़। सो इट इज़ अ ओडोमीटर विच बेसिकली शोज यू कि बाइक अभी आपका कितना किलोमीटर चल चुका है। ये ओडीओ आ रहा है, आपका 3 किलोमीटर चला है बेसिकली। PDI के बाद से शोरूम शिफ्टिंग तक 3 किलोमीटर बाइक चल चुकी है। राइट। उसके अलावा आपका ट्रिवन है, ट्रिवन इज बेसिकली फॉर रिप्रेजेंटिंग अ शॉर्ट ओडो, शॉर्ट किलोमीटर विच यू कवर। ओके, ठीक है। उसके अलावा ट्रिप टू, अगर आपने कोई लॉन्ग ट्रेवल डिस्टेंस आपका कवर अप करना है, वो चीज़ें हैं। ठीक है। इसके अलावा इंजन टेम्परेचर, इंजन टेम्परेचर इज बेसिकली रिफ्लेक्टिंग यू कि आपका इंजन में कितना भी टेम्परेचर है। कंप्लेंट पे रिकमेंडेड ये रहता है कि आप 45 के बाद ही थ्रॉटल दें, ताकि आपका मीन ऑयल उस दौरान इंजन ऑयल जो है आपका पूरा इंजन के अंदर आपका फ्लो कर चुका हो। ओके। इसके अलावा आपका बाइक का रेंज है, आपकी बाइक अभी
जितना बाइक में फ्यूल है उसके अकॉर्डिंग कितनी चलेगी आपको कंजम्पशन देता है। ये आपका कंजम्पशन वन है, बेसिकली ब्रांड न्यू बाइक है तो भी वो कंजम्पशन अभी आपका एक्यूरेट नहीं है, बट कंजम्पशन आपको दिखाते हैं कि आपको 100 किलोमीटर चलने के लिए कितना लीटर फ्यूल चाहिए। ओके ठीक है, ये आपका कंजम्पशन एक्चुअल है, आपके 100 किलोमीटर में लास्ट में कितना बाइक ने कंजम्पशन किया है वो दिखाता है। बेसिकली इट इज शोइंग यू आपका एवरेज बाइक का कि एवरेज बाइक की कितनी चल रही है। ये स्पीड है, आपने बाइक की इग्निशन से लेकर आपकी बाइक का थ्रॉटल कितना एब्जर्व एवरेज रहा है, आपने कभी 60 भी टच करा होगा, कभी आप 60 पे भी गए हैं, तो आपको एक एवरेज बता दे कि आपकी बाइक की स्पीड इतनी रही है। ये आपका डेट एंड टाइम है, आपको जो रिफ्लेक्ट करता है डेट एंड टाइम यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको सेट करने के लिए आपको सेटअप पे जाना है। ठीक है, व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट नीड टू डू हार्ड लिटिल प्रेस फॉर 3 to 4 seconds लॉन्ग प्रेस, ये आपका आपका शिफ्ट कर जाएगा। अगर आप सिंगल टैप करते हैं तो ये आपका रेज कर देगा 12 पे, अगर आप उसको दबा के रखते हैं इट विल शिफ्ट टू 56, दैट मीन 1 minute, तो ये शिफ्ट कर देगा आपको। वाइस वर्सा अगर आप लॉन्ग प्रेस रखते हैं तो ये आपका डेट में आ जाएगा, देन इन द मंथ, देन आपका ईयर में। ठीक है, इसके बाद फिर आपको ऑडोमीटर, सो इट इज़ ऑल अबाउट दिस। ये आपके इंडिकेटर का फंक्शन है, इंडिकेटर जो आपने इंडिकेटर देते हैं फंक्शन करता है। ये आपका हाई बीम और लो बीम दिखाता है आपको कि भाई कभी हाई बीम पर है। ये आपको रिफ्लेक्ट करता है कि आपके बाइक में फ्यूल का भी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये आपका न्यूट्रल सिस्टम है, दिस इज एक्सक्लेमेशन मार्क। अगर बाइक में किसी भी तरीके कोई अगर टेक्निकल एरर आता है या इलेक्ट्रिकल एरर आता है तो ये आपको आपको शो करेगा कि आपको बाइक वर्कशॉप ले जाना है। ठीक है, ये आपको बाइक का एपीएस का सेंसर है, जब तक आपकी बाइक 5 से ऊपर 5 की स्पीड से ऊपर नहीं जाएगी तब तक एबीएस ब्लिंक करेगा, क्योंकि एबीएस आपका 5 से नीचे काम नहीं करता है। 5 की स्पीड से ऊपर जाती है एबीएस का लाइट बंद हो जाएगा, दैट मीन एबीएस इज वर्किंग। बैटरी अगर किसी दौरान आपका बैटरी का हेल्थ में अगर प्रॉब्लम आता है तो ये लाइट आपको आपको शो करेगा, आपको बैटरी का हेल्थ चेकअप कराना है। ये आपका फ्यूल पंप का है, आपने बाइक ऑफ करा बाइक ऑन करा ये पंप का लाइन ऑन हो जाएगा, विद इन 5 सेकंड के अंदर ये लाइट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आरपीएम का लाइन है, आरपीएम का लाइन जैसे आपका बाइक की आरपीएम जो है फ्लक्चुएट होती है 8000 आरपीएम माउंटेड होती है, 9 के ऊपर जाती है आपकी लाइट यहाँ जल जाती है। ओके, तो उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अगर 9000 के ऊपर जाती है? ये आपको सिर्फ एक वार्न देता है कि आपके आपका आरपीएम बहुत ज़्यादा जा चुका है, पास फूड होना। सो जैसे मेरी फर्स्ट सर्विस हो चुकी है तो फर्स्ट सर्विस के बाद मैं कितने आरपीएम तक चला सकता हूँ? इट इज़ ऑल अबाउट योर चॉइस ओनली, बाइक आपका है, सेफ्टी वाइज 7 से 8000 आरपीएम रिकमेंड। अच्छा, और जैसे 1 ईयर तक आप बोलते हैं कि 1 ईयर के बाद हम सर्विस करा नेक्स्ट सर्विस करा सकते हैं, तो उसके पहले क्या इंजन ऑयल चेंज कराने की जरूरत है? हाँ बिल्कुल है, कंपनी एंड पे जैसे आपकी सारी सभी बाइक्स का रहता है कि आपने जो करानी है। सो फाइनली सर्विस हो गई है और इसका जो अप्रॉक्स फर्स्ट सर्विस का मेरा जो कॉस्ट आया है वो 5962 यानी कि 5962 rupees 45 paise। सो फाइनली सर्विस हो चुकी है और अब टैंक बैग लग रहा है बाइक में। सो टैंक बैग ज़रूरी होता है, कहीं आप ट्रिप में जा रहे हैं और कुछ थोड़ा बहुत सामान आपको कैरी करना है गाड़ी में तो बड़ा इजी होता है। सो ये मुझे टैंक बैग एक्चुअली बाइक के साथ ही फ्री मिला था, जिसकी कॉस्ट अप्रॉक्स 5500 rupees बताई है। और काफ़ी इजी होता है टैंक बैग लगाना, मुझे ऐसा लग रहा था कि टफ होगा, जिसकी वजह से मैंने अभी तक फर्स्ट सर्विस तक टैंक बैग नहीं लगवाया था, और ये तो ऐसा लग रहा है कि बहुत इजी है। ये रहा फाइनली टैंक बैग विथ फर्स्ट सर्विस। थैंक यू मिस्टर अनिल, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बहुत अच्छा आपसे मिलके लगा, बहुत सपोर्टिव हो आप एक्चुअली। सो ओखला शोरूम फर्स्ट सर्विस के लिए फाइनली। हाय मिस्टर अनिल, थैंक यू सो मच। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर।